आखिरकार शिखर धवन ने क्यों लिया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास। जी हाँ दोस्तों, तो एक खबर बाहर निकल कर आ रही है, जो भारत के पूर्व खिलाड़ी और कप्तान रह चुके हैं सुनील गावस्कर ने ये कहा, बतौर ओपनर आप इंडिया टीम में रहना मुश्किल नहीं, आपके लिए लगभग नामुमकिन है, आपको हर समय परफॉर्म करके देना होगा। अगर आपने एक भी टूर्नामेंट या फिर एक भी सीरीज़ आपने ख़राब परफॉर्म किया तो मान के चलो आपका जो सीट है यानी कि जो पोजीशन है वो आपका पक्का गायब हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है ओपनर में। अगर ओपनर की बात करें तो सहवाग जैसा बल्लेबाज जो था उनका ओपनिंग फिक्स नहीं था, मतलब कि उन्होंने जब ख़राब पारी खेलने लगे तो उनके लिए रिटायरमेंट का घोषणा आ चुका था, मतलब नहीं खिलाया जा रहा था। लेकिन एक चीज़ है, अगर दोस्तों आप लोग यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, एक चीज़ पर्सनली मुझे काफ़ी बुरा लगता है, शायद बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जिनको भी रिटायरमेंट है लेना है या फिर नहीं खिलाना चाहती है BCCI, उनको बस ये कह दे साफ साफ कि भैया अब आपको आगे नहीं देखा जा रहा है, अब आप कहो तो एक फेयरवेल मैच खिला देंगे। हालांकि शिखर धवन को मिस्टर ICC कहा जाता है, ICC टूर्नामेंट जितने बार भी वो इंडिया में हुआ है, 2000 मतलब जब से शिखर धवन खेल रहे हैं, 2013 की बात करें, 15 की बात करें, या एशिया कप की बात करें, या 2015 के वर्ल्ड कप की बात करें, या फिर आप चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, सबसे अच्छा परफॉर्म किया कई मैचों में, कई सीरीज़ में विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके ज़्यादा रन बनाया। तो दोस्तों कुल मिला के ये है कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उनके चोट उनका साथ नहीं दे रहा था, और उनका जो फैमिलीज इशू थे और भी बहुत सारी बातें होती प्लेयर के रूप में। तो ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलता है, अगर यहाँ तक देखे वीडियो को तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी कमेंट करें कैसा लगा दोस्तों वीडियो को,